नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी जगह पर ले जाने वाला हूँ, आप खुश हो जाएंगे। और आपको मैं एक ऐसे पार्क ले जाने वाला हूँ, वह वैसे पार्क तो नहीं है, पार्क तो नहीं बोल सकते, एक सरोवर है, निरंकारी सरोवर। और बहुत ही अच्छा वहाँ पर सरोवर है, आप वहाँ पर नहा सकते हैं। और आप वहाँ पर उस सरोवर जो नाम दिया गया है इसका, आप वहाँ पर घूम सकते हैं। वहाँ पर फाउंटेन शो होता है, वह मैं आपको दिखाऊंगा, चालू होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, और नहीं तो मैं आपको उस सरोवर के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। वहाँ पे क्या क्या है अवेलेबल, मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है। यह वीडियो बुराड़ी से होने वाली है, बुराड़ी दिल्ली में है। तो मैं इसके जो भी नियर बाई मेट्रो स्टेशन है मैं आपको बताऊँगा, आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, बस के बारे में बता दूँगा। और आप वहाँ पे अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, वहाँ पे फ्री पार्किंग होने वाली है। और अंदर ही खाने पीने का सब कुछ मिलता है, आप कोई भी खाने पीने का कोई भी सामान अपने घर से ना लेकर आएं। वहाँ पे गंदगी फैलती है, इसीलिए वहाँ से उन्होंने बोला हुआ है अपने घर से कोई भी खाना नहीं लेकर आएगा, यहीं पर रीजनेबल रेट पर खाना आपको मिलता है, हर चीज़ आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन खुलता है, ये टाइमिंग है सरोवर परिसर समय सारणी, ये आप देख लें। और अभी दिखाता हूँ बाहर का इसका गेट, ये देखो भाई, निरंकारी सरोवर के नाम से है। और अंदर ही इसकी पार्किंग है, अंदर ही गाड़ी ले जाएं, अंदर ही टू व्हीलर ले जाएं, फिर ही पार्किंग है। निरंकारी सरोवर फाउंडेशन निरंकारी मिशन में आपका स्वागत है। आप यह देख रहे हैं निरंकारी सरोवर परिसर, और एक अच्छी जगह आप एक शांत शाम बिता सकते हैं। यह जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें संत निरंकारी बाबा थे, जो उनके सारे जो विचार हैं इसमें समझाया जाता है। अंदर इसके अंदर आपको समझाया जाता है कि ध्यान कैसे लगाया जाए, और पूरी सृष्टि पे जो मानव हैं उनकी सहायता कैसे की जाए। ये देखिए कितना अच्छा पार्क है, बहुत ही हरा भरा है। और आप यहाँ फाउंटेन ऑफ बहुत ही अच्छा सुंदर, और ज़्यादातर लोग उसे देखने आते हैं। ये देखिए एक छोटा सा, यहाँ पर लिखा हुआ, वीडियो को आप रोक कर यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा फुहारा है, ये तो छोटा सा ही वैसे इन्होंने चलाया हुआ है, आगे चलेंगे। और ये देखिए ग्रीनरी कितनी ग्रीन है, और साफ सफाई कितनी है, ये देखिए कितना ज़्यादा साफ सफाई है। और ये आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पर शांत पार्क निरंकारी मिशन द्वारा बनाया गया है, और सुबह और शाम यहाँ आपको लोग योग अभ्यास प्राणायाम व्यायाम ध्यान वॉक करते मिलेंगे। ये जो आप सामने पार्क देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है, यहाँ के मनमोहक दृश्य माहौल को देखते हुए बनाया गया है।
इसी के स्थित एक अच्छा पार्क है जो बच्चों के खेलने के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। फवारा दूर से एक विशाल कमल जैसा दिखता है। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा, आपको कहीं पर आपको गंदगी नहीं मिलेगी। और ये सामने देख सकते हैं आप राइट, ये देखिए नारियल के पेड़ हैं या खजूर के पेड़ हैं, आप मैसेज करके बताएं। राइट साइड में आप देखेंगे ये एक सरोवर है जहां पर आप नहा सकते हैं और अपने कपड़े तौलिए वगैरह साथ लेकर आएं तो आप नहा सकते हैं। सुबह जल्दी खुल जाता है और शाम के 4 बजे तक आप यहां पर नहा सकते हैं। अभी चलते हैं, ये देखिए ये है सरोवर का गेट। इसके अंदर आप फ़ोन लेकर आएंगे तो आपको फ़ोन बाहर ही जमा कराना होगा, फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। अभी चलते हैं आगे की साइड। बहुत ही शांत, आप यहाँ पर शांति, बिल्कुल शांत आपको दिखेगा यहाँ का यह पार्क। समय समय पर यहाँ पर योगा वगैरह ऐसी चीज़ें सारी चीज़ सिखाई जाती है और ध्यान लगाया जाता है। और ये है जूता घर। और ये देखिए आप, प्रकृति को हाथ पकड़कर और एकता का सर्वभौतिक भाईचारे का संदेश देने वाला मानव श्रृंखला बनाते हुए दर्शाता है यह पार्क। इसे पूरा होने में 6 साल से अधिक समय लग चुका है। और ये देखिए कमल के फूल की तरह यह बनाया है संगमरमर के पत्थर से। इसमें जब फुहारे चलेंगे शाम के टाइम आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये सामने जो आप देख रहे हैं ये आदमी की तरह दिखता है, एक दूसरे के हाथ पकड़कर एकता का प्रतीक। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं गोल गोल सा, इसे मुंह बना हुआ है। ये सरोवर में जो भी है यहाँ पर पानी में फूल खिले हुए हैं, ये मेरे हिसाब से कमल के फूल है। ये देखिए आप कितना सुंदर दोनों साइड, ये बीच में कमल के फूल की तरह बना हुआ है। ये आदमी बनाए हुए हैं, इन्होंने हाथ पकड़े हुए आपस में ऐसा लगता है। और ये देखिए बीच में कमल का फूल है और ये देखिए इसका मुंह की तरह ये बीच में है। और ये ऊपर की तरफ जो है चोंच की तरह ये हाथ हैं इनके। अभी चलते हैं बीच में जो कमल के फूल की तरह बनाया हुआ है, इसमें लाइट जलती है। इसे पूरा होने में 6 साल से अधिक समय लगा और इसे धवनी का प्रकाश के साथ साथ संत निरंकारी मिशन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक आकर्षण मेलजोल के रूप में डिजाइन किया गया है। जब पानी बह रहा होता है तो लोग चारों तरफ बने रास्तों से रचनात्मक तक करीब को देखकर अच्छा लगता है। लाइट एंड साउंड के साथ यहाँ फवारे चलते हैं, विशेष रूप से शानदार दिखता है जो शुक्रवार शनिवार और रविवार को शाम 6:30 बजे से के बाद ही होता है। जैसे ही अंधेरा होता है उसके आसपास यहाँ पर लाइट जलती है और आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगने वाला है।
बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं। साउंड शो मुख्य रूप से निरंकारी मिशन विचारधारा के बारे में बात करता है। रंगों का दृश्य उपयोग अद्भुत है। आपको पूरे फव्वारे के पास आसपास चलने और दिन के समय तस्वीरें लेने की अनुमति है, परंतु शो शुरू होने के बाद आपको अपनी दूरी बनाए रखना चाहिए। आपको विशेष रूप से बिना किसी भी तरह की तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं है, और शो के चालू होने के दौरान हिलना या कुछ भी शोर मचाना आम तौर पर शाम को शो के दौरान उचित नहीं है। फाउंडेशन ऑफ वननेस बुराड़ी क्रॉसिंग के पास निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है, जहां जीटीवी नगर मेट्रो स्टेशन या आप मंजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन से आसानी से पहुंच सकते हैं। आप संग्रहालय सहित पूरे परिसर का दौरा कर सकते हैं और फव्वारे का एक शो के साथ समापन कर सकते हैं। यह निरंकारी पार्क सरोवर आपको कैसा लगा मैसेज करके बताएं, और अभी आगे आप देखिए। बहुत ही सुंदर पार्क है। ये देखिए, ये सामने झंडा है हमारे देश का, और ऊपर सूर्य देवता किरण बिखेरते हुए। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन ही ग्रीन है। यहाँ पर आपको गंदगी कहीं पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, और बिल्कुल ही साफ़ सुथरा आप देखेंगे। यहाँ पर बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं। वैसे यहाँ पर आप अपने घर से खाना लेकर भी नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर गंदगी फैलती है। यहाँ पर इनकी कैंटीन है, और कैंटीन में बहुत बड़े ही कम रेट पर खाना दिया जाता है। चौमिन वगैरह, चौमिन है, मैगी है, डोसा है, इडली है, ये सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, बड़े ही रीजनेबल रेट पर आपको दी जाएगी। ये देखिए बड़ी शानदार छतरी बनाई हुई है, और यह मैं आपको पार्क का भी थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आगे से। ये देखिए छोटे छोटे पेड़ कितने गोल गोल से अलग ही लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये खेल रहे हैं भाग भाग के। बड़ा ही शानदार आप यहाँ पर आके देखेंगे। शाम को आप आएँ तो 6:30 बजे से पहले आएँ, उसके बाद यहाँ की नो एंट्री हो जाती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये दिखाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं। निरंकारी जो संस्था है यही सिखाता है, और यही इनका उद्देश्य है, एक साथ मिलकर रहें और एक दूसरे का साथ दें। ये देखिए कितना अच्छा फूल बनाया हुआ है पत्थर का, बिल्कुल सामने सूर्य नारायण जी। गंदगी आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। आप पेड़ पौधों को बिल्कुल भी ना तोड़ें, और ये देखिए आप अपने पानी की बोतल सिर्फ ला सकते हैं। खाना पीना इधर, यहाँ पे कैंटीन है, और कैंटीन में आप खाना पीना खाएं, बड़े ही रीजनेबल रेट पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर कैंटीन में आपको टोकन दिया जाता है, और टोकन के हिसाब से ही आपको खाना पीना, आपको सब चीज़ मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखें तो
आराम से आपको सारा सामान मिलेगा, भगदड़ में कोई चीज़ नहीं मिलती। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे पेड़ बनाए लगाए गए हैं यहाँ पर, और सुबह 7 बजे खुल जाता है, शाम के 6:30 तक खुला रहता है। शाम को 6:30 तक आप आ सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल ये जो सामने आप देख रहे हैं यहीं से आप एंट्री करेंगे। एंट्री करते के साथ ही आपको लेफ़्ट साइड में कैंटीन है जहाँ पर ये बैरियल दिख रहा है, और राइट साइड में आप पूरे पार्क में सरोवर में घूम सकते हैं। तो अब ये देखिए ये यहाँ पर जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन खुलता है, ये टाइमिंग है सरोवर परिसर समय सारणी, ये आप देख लें। और अभी दिखाता हूँ बाहर का इसका गेट, ये देखो भाई निरंकारी सरोवर के नाम से है। और अंदर ही इसकी पार्किंग है, अंदर ही गाड़ी ले जाएं, अंदर ही टू व्हीलर ले जाएं, फिर ही पार्किंग है। और एक कैंटीन भी है इसमें। ये रोड है,